إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد अल्लाह पाक दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम इमाम उल अंबिया इमाम कायनात खतीब उल अंबिया इमाम आज़म मुर्शिद आज़म रहबर आज़म पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते हज़रात इंसान नू रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतां नाल नवाजे इतनिया नेमतां अल्लाह ताला ने इंसान नू अता फरमाईयां अगर इंसान गिनना चाहे अगर अल्लाह दियां अता करदा नेमतां नूं बंदा शुमार करना चाहे गिनना चाहे तो शुमार कर सकदा नहीं। बेशुमार नेमतां अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे नूं अता फरमाई और इंसान दे जिम्मे जिहड़ा कम है रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे प्यारे बंदे मैं तेनों इतनिया नेमतां अता कीतियां ने कि तू केड़ी केड़ी नेमत शुमार करेगा गिनेगा तू गिनना चाहे तो गिन नहीं सकेगा शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता क्योंकि कुरान ने फरमाया फाबी अशिया ला ए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ए बंदे ए इंसान तुसी केड़ी केड़ी रब दी नेमत नू गिनोगे शुमार करोगे या जुटलाओ अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते और अल्लाह ताला दियां इतनियां नेमतां ने ते रब फरमा रहे ने बंदिया केड़ी केड़ी नेमत नू जुटलाएंगा मेरे भाई मेरे बरादर बंदे दे सिम्मे कम एवे कि अल्लाह ताला दी अता करदा हर एक नेमत दे बदले उदा शुक्रिया अदा करे अल्लाह ताला ने जड़ियाँ नेमतां दित्तियां ने उन्हां दा शुक्रिया अदा करे हद्दुल वसा बंदे नू कोशिश करनी चाहीदी है हर वक्त उस मालक दा शुक्रिया अदा करे क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ियां मेहरबानियां कीतियां इतनी मेहरबान ओ ज़ात है और इतनिया मेहरबानियां कीतियां ने अगर असी जनाब शुमार करना चाहिए तो नोट नहीं कर सकते गिन नहीं सकते तो बंदे नू अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा करना चाहिए दुख है तो तां भी शुक्रिया और सुख है तो फिर भी अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा करना चाहिए इहदी आवाज़ खोलो आवाज़ कोई नहीं अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा करना हर हाल अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है अगर परेशानी है मुसीबत है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई अल्लाह ने खुशी अता फरमाई है
ते तां भी उस मालक दा शुक्रिया अदा करया करो। अगर असी अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा करांगे इहदा फायदा की होएगा? आओ अल्लाह ताला दे कुरान पाक तो पुछने हैं, असी रहमान दा शुक्रिया अदा करिए अल्लाह इहदा फायदा की है ते इहदा जनाब तुहाडी तरफो इनामात की ने? अल्लाह फरमांदे ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, इन्हां दुनिया वालिया नू शुक्र दी अहमियत दे बारे बतला दियो, इन्हां ईमान वालिया नू जनाब मेरे शुक्र दी अदायगी दा फायदा बतला दियो, शुक्र दी फजीलत की है, शुक्र दी अहमियत की है? रब फरमांदे ने ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। पहला फायदा जनाब शुक्र अदा करांदा, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करोगे रब ने बतलाया पहला फायदा ए मैं अदा करांगा। फरमाया ला इन शकर तुम, अगर तुसी मैं रब दा शुक्रिया अदा करोगे ना, अगर तुसी मैं अल्लाह दिया हमदा ते तारीफा बयान करोगे, सुखा दे अंदर रब दा शुक्रिया, दुखा दे अंदर रब दा शुक्रिया अदा करोगे। फरमाया ला इन शकर तुम, अगर तुसी शुक्र गुजार बन जाओगे ना ते फायदा पहला ए होएगा ला अज़ीदन्नकुम, मैं रब तुहानू मजीद अता करदा जावांगा, मैं तुहानू ज्यादा अता करदा जावांगा। तुसी अपनियां ज़बानां चो मेरा शुक्रिया अदा करदे जाओगे, अल्लाह दा शुक्र अदा करना तुहाडा कम है ते रब दा कारोबार अंदर रिजक अंदर बरकत पाना मेरे अल्लाह दा कम है, रब दा वादा रहमान दा वादा है। लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुसी शुक्र गुजार बन जाओ मैं तुहानू मजीद अता करदा जावांगा, तुसी शुक्र गुजार बन जाओ मैं ज्यादा अता करदा जावांगा। अल्लाह अकबर, शुक्र गुजार किवें बनदा है? ये नहीं परेशानी दुख आया इब्तदा अंदर जनाब दीने इस्लाम तो हट के अपनी जबान चो ऐसे अल्फाज बोलने के जेदा जनाब दूर तक की कुरान और हदीस नाल ताल्लक ना होए, आखर अंदर जनाब कह के मैं साबर हाँ मैं शाकर हाँ इंज नहीं। अगर अजमैश दुख आया ना बंदे नू इब्तदा अंदर ही सबर करके ते मालक दा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह दियाँ तारीफा बयान करनिया चाहिए ने। अल्लाह सोने बेटा दिता है ते तू हुन वापस ले ले आई, जदों तू बेटा दिता सी उदों भी मैं आखिया सी अलहमदुलिल्लाह, हुन तू वापस लिया है ते फिर भी मैं आना वा अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह तू दुख दिता ते मैं फिर आखिया अलहमदुलिल्लाह, तू जनाब दुख दिता ते फिर भी अलहमदुलिल्लाह आखिया। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा बंदा ये काम करे ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुहानू ज्यादा देंदा जावांगा, मजीद अता करदा जावांगा। और ना शुक्री दा नुकसान की है? जिहड़ा बंदा ना शुकरा होए ना, बंदियां चो भी जनाब मर्दां चो भी है ना शुकरे बंदे वेखे ने, औरतां चो भी ना शुकरे वेखियां ने, जिहड़ियां रब दियां ना शुक्रियां औरतां, और मर्दां चो जनाब ना मर्द जिहड़े मर्द ने ना शुकरी करन वाले। मेरे पैगंबर अली सलाम तो वसलाम दे अल्लाह ने कुरान नाजल करके दसिया, फरमाया जड़ा बंदा ना शुक्री करदा ना ओदा जनाब नुकसान की है। फरमाया वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदी,
फरमाया जड़ा शुक्र कर दू मैं ज्यादा देंदा जाना वा, जड़ा मेरा शुक्र कर दे मैं अता करता जाना वा, ते जड़ा ना शुक्री करे चाहे मर्द होए चाहे औरत होए, ना शुक्रा बंदा भी रब नू वारा नहीं, ना शुक्री औरत भी रब नू वारा नहीं। फरमाया वाला इन का फर तुम जड़ा ना शुक्री करेगा, फिर सुन लो इन अज़ाबी लशदीद, फिर मेरे अज़ाब दा ओनू इंतजार करना चाहिए। बाबे ना शुक्री ना करया कर, नौजवाना ना शुक्री ना करया कर, मेरी ये माए बहन ना शुक्री ना बनया करो, जिस हाल अंदर रहमान रखे रब दा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जेड़ा ना शुक्री कर दे फरमाया इन अज़ाबी लशदीद, ओनू फिर मैं रहमान दे अज़ाब दा इंतजार करना पैगा, मैं अल्लाह दे अज़ाब दा इंतजार करना पैगा। अल्लाह अकबर, पता की लगे है, जेड़ा ना शुकरा होए जेड़ा ना शुकरा होए ओनू जनाब सोचना चाहिए कि किते मैं अल्लाह दे अज़ाब दा ते मुस्तहिक नहीं बनदा पिया। आइए नहीं समझे कुरान दा दूसरा मकाम सुनिए, मेरे तुहाडे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाजल फरमा के दसिया है। आइए जरा गौर करना, जड़ा बंदा शुक्र गुजारी कर दे ना अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर दे, ओदा फायदा की है। अल्लाह फरमांदे ने मा, अल्लाह ने अपने शुक्र गुजार बंदे नाल प्यार मुहब्बत दा इजहार फरमाया, केंज फरमाया मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व मन तुम। मेरे अल्लाह फरमा रहे ने अगर मेरा बंदा मेरा शुक्रिया अदा करे, ईमान ले आन दे बाद मेरा शुक्रिया अदा करदा रहे, ईमान वाला बंदा ईमान दी हालत अंदर मैं रब दा शुक्रिया अदा करे, दुखां दे अंदर भी अल्लाह दा शुक्रिया, सुखां दे अंदर भी अल्लाह दा शुक्रिया, अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह दे बोल एदी जबान ते जारी ने। रब फरमांदे ने जड़ा बंदा शुक्रिया अदा कर दे फिर मैं रब नू लोड़ का दिए कि उस अपने बंदे नू अजाब देवां। रब फरमा रहा ने जड़ा बंदा शुक्रिया अदा करे ना हर हाल अंदर मेरा शुक्रिया अदा करेगा, फिर मैनू अल्लाह नू जरूरत की है कि उन्हू अजाब देवा, फिर जरूरत क्या है कि उन्हू जनाब मजीद इम्तिहान च पावा। अल्लाह अकबर, शुक्र दा इना फायदा, अगर जड़ा बंदा शुक्रिया अदा कर दे अल्लाह उन्हू मजीद रिजक अता कर दे, औलाद भी देंदा जांदा और खुशियाँ ही खुशियाँ अता करता जांदा। ना शुकरा होए वो सुने कुरान को जनाब पढ़िया है कुरान के अंदर कि उस बंदे नू औरत या मर्द ओनू इंतजार करना चाहिए अल्लाह दे अजाब दा। ना शुकरा बंदा होए या ना शुकरी औरत होए तो फिर जनाब ओदी पूरी नहीं पैंदी, ना शुक्री जुए हर वक्त अल्लाह दे शिकवे दे गिले ही करदे आ रहना, साडे कोल की चीज़ है जनाब, साडे कोल तो कोई चीज़ नहीं हैगी, हालांकि अल्लाह रिजक दे रहा है, घर अल्लाह ने सोना अता फरमाया, अल्लाह ने सवारी सोनी अता फरमाई, अल्लाह ने बच्चे अता फरमाए, अल्लाह ने मापे अता फरमाए, तो जड़ा इस इनिया नेमत हासिल करके फिर भी ना शुक्री अदा करे तो फिर रब फरमांदे ने इन अज़ाबी लशदीद, ऐसे बंदे नु अल्लाह दे अजाब दा इंतजार करना चाहिए, ना ना सोने ना शुकरा नहीं बनना चाहिए, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया करो। कुरान दा तीसरा मकाम, मेरे तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया सोने दसो इन्हों, अल्लाह फरमाते ने इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। अल्लाह
जलाल फरमाते ने असी ते दस दिता राह विखा दिता है। असी ईमान वाले बंदियां नू इन्हां मुसलमानां नू राह बतला दिता है। इन्ना हदैना हुस्सबील इन्हां नू असी राह दस दिता दिखा दिता है। ये हुण ईमान वाले मुसलमान चाहे ते मेरा शुक्र गुजार बन जान चाहे मेरे ना शुक्री करने वाले बन जान साडा काम में दस देना। अल्लाह फरमांदे ने असी ते राह बतला दिता ऐ राह जन्नत नू जांदा ते ऐ राह जहन्नम नू जांदा। फरमाया इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरं वा इम्मा गफूरा। फरमाया हुण ए आप बंदे दी मर्जी है ए इंसान दी मर्जी है चाहे मेरा शुक्र गुजार बन जाए ते क्यामत नू जन्नत दा हकदार बन जाए चाहे ना शुक्रा बन के जहन्नम दा ईंधन बन जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सोनिया सानू शुक्र गुजारा दे अंदर शामिल कर दे। अल्लाह सानू शुक्र गुजार बना दे। आमीन कह दो। अल्लाह अल्लाह आओ जरा गौर करना सोने पैगाम में वे अज दा पैगाम में वे हर हाल अंदर रब दा शुक्रिया तुसी करना शुरू कर दियो। मेरा रहमान मजीद अता करना शुरू कर देवेगा वो चाहे रिजक होए चाहे औलाद होए चाहे माल होए अल्लाह मजीद अता करता जाएगा। अल्लाह अकबर आओ न जरा गौर करना एक और मकाम सुनिए। अल्लाह फरमाते ने वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ओ दुनिया वाले हो अगर तुसी रहमान की इबादत करते हो ना उस मालक की इबादत करते हो ते नाल तुहानू ए भी हुक्म है कि उहदा शुक्रिया भी अदा करिया करो क्यों अल्लाह ने तुहानू सजदे की तौफीक दिती अल्लाह का शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह ने रुकू दी तौफीक दिती उस मालक दा शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ एक और मकाम सुन लां वेखना इत्थे अल्लाह ने एक और बंदे दा इंसान दे विचों शुक्रिया अदा करन दा हुक्म ते आर्डर दे दिता है। मेरे तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाजर करके फरमाया दुनिया वाले ओ सुन लो दूसरा बंदा कौन है कि जेदा शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह फरमांदे ने वा वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुहु उम्मुहु वहनन अला वहनि वा फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर वाले वाले दई का अनिश्कुर वाले वाले दई का। अल्लाह फरमाते ने असी वसीयत कर दी है इंसान नू कि वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करे वो अपने मापिया का शुक्रिया अदा करे और अपनी माँ का भी शुक्रिया अदा करे जिस माँ ने जनाब 9 महीने अपने पेट के अंदर पाले है दुख बर्दाश्त किए तकलीफा बर्दाश्त कीतियां ने। फरमाया सी इंसान नू वसीयत कर दीती है अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करे और मां दा भी शुक्रिया अदा करे। उन्हें 2 साल दुध पिलाया अपने बेटे नू। ओए बंदे आ मापियां दा शुक्रिया अदा करे अगर रब कह रहा है अनिश्कुरली वाली वाले दई का। फरमाया मैं रब दा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माप दा भी शुक्रिया अदा कर। मापियां दी कितनी शान है मापियां दी कितनी फजीलत है मकाम है। रब फरमा रहे ने कुरान दे अंदर कई मकाम ते फरमाया लोगो मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया करो हर हाल अंदर रहमान दा शुक्रिया अदा करो। इत्थे रब ने ए भी फरमाया तुसी अपने मापियां दा भी शुक्रिया अदा करया। अजकल दा नौजवान तौबा अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह हदायत दे आंदा कि इन्हां नूं पता ही कोई नहीं गल करन दा पता कोई नहीं वडेरे हो गए ने इन्हां नूं जनाब कोई जनाब रहन सहन दा वाली कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह जदों छोटा से बिस्तर जनाब सर्दियां दा मौसम है पेशाब नाल सारा ही भे देना
उस बुढ़ी माँ ने तेनू चुक के खुशक जगह पर पाना, आप खिली जगह पर सौना। सौना की हुंदा सी? तेरिया जनाब मुसीबत परेशानियाँ कि मेरे बच्चे नू कुछ ना होए, तो अज ये जवान होया तो आंदा इन्हां नू पता ही कोई नहीं। अल्लाह हदायत अता फरमाए। मैं कहना वा तेरी कोई अहमियत नहीं, तेरे मापियां दी अल्लाह दे हाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। रब नू मापियां दे मुतालक, साढ़े मापियां दे मुतालक बहुत रब ने बयान फरमाया कुरान हकीम अंदर कि माँ बाप की कदर कर लो। वो एक गल ही मुकाती नबी अली सलाम ने, अगर तुहाडा बाप तुहाडी माँ जमीन ते राजी है ते अर्श वाला रब अर्शे बरीन ते राजी है। मकाम होया ना, शान हुई। फरमाया अगर ये नाराज ने ते रब भी नाराज है, अगर ये राजी ने ते रब भी राजी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने ए इंसान असी वसीयत कर रहे हैं, तुसी अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करया करो, अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करया करो। अनिश्कुरली वाले वाले दईका, अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करया कर, अपने अल्लाह दा भी शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह आओ सोने जरा गौर कर दिया जाना, अल्लाह जलाल ने इतनिया नेमतां अता फरमाइया, अगर बंदा गिनना चाहे गिन सकदा। ये अल्लाह का फजल है, जिहड़िया नेमतां रब ने दित्तियां ने ना, ये अल्लाह दियां मेहरबानियां ने मेरे तेरे दे। ए अल्लाह मेहरबान होया कि अल्लाह ने नेमतां अता फरमाइया ने, माँ बाप अता फरमाए ते वड्डी नेमत है, अल्लाह ने अखां अता फरमाइया ते वड्डी नेमत है, अल्लाह ने जनाब कान अता फरमाए ते वड्डी नेमत ने, अल्लाह ने जबान दित्ती ते वड्डी नेमत है, अल्लाह ने हाथ दिते ते बड़ी ने नेमत है, अल्लाह जुलजलाल ने दिल अता फरमाया ते बड़ी नेमत है, सोने अल्लाह ने दिमाग दिता ते वड्डी नेमत है, अल्लाह ने चलन वास्ते पैर दिते ते बड़ी नेमत है, अल्लाह जुलजलाल ने रिजक दिता ते भी अल्लाह दिया मेहरबानियां ने, अल्लाह दिया शफकत ने। और सोचया कर कल्ला बैठ के रहमान ने कितनिया कु नेमतां तेनू दितियां ने, अल्लाह ने कितनिया नेमतां, ओ इतनिया नेमतां रब ने अता फरमाइया। अल्लाह फरमाते ने वाबी आई आलाए रबे कुमा तू कज़िबान, ओ बंदिया केड़ी केड़ी नेमत नू सामने लिया के जुटलाएगा, केड़ी नेमत नू जुटलाएगा। अल्लाह दियां बड़िया नेमत ने, सोने जरा गौर ते करना, आख कितनी बड़ी नेमत है, आख दी कदरो कीमत पुछनिया ते ओदे कोलो पुछ जिदियां अखा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कन्ना दी कदरो कीमत पुछनी आ ओदे कोलो पुछ के, जिन्हों नजर जनाब सुनिया नहीं जांदा, जबान दी कदर ओदे तो पुछ जेड़ा गूंगा बोल नहीं सकदा। अल्लाह अकबर। इत्थे जनाब अल्लाह ने नेमतां अता कीतियां, अखां भी दितियां ने, कान भी दिते ने, जबान भी अता फरमाई है। ये अखां दितियां रब ने, इनू चाहिदा सी ओदा शुक्रिया अदा करदा, इनू चाहिदा सी सजदे करदा, अल्लाह तू अखां दितियां ने। ए जालम बेईमान की करदा, इना अखां दे नाल गंद वेंदा, इना अखां दे नाल बुरियां चीजां वेंदा। अल्लाह अकबर। कदे सोचता सही अगर रब ने अखां जड़ियां दितियां ने, तू गंद वेंदा पिया होए ते रब तेरी अखां दी नज़र छीन ले ते दस की करेगा। जनाब गंद सुनदा पिया होए, गाना जनाब सुन रहा होए ते तेरे कन्ना दी समात रब खोले ते फिर की करेगा। तू जनाब अपनी जबान तो कुछ गंदा बकदा पिया होए ना, गालियां मंदे कड़दा पिया होए, तेरी जबान रब रोक दे बंद कर दे ते दस तेरे दिल ते की बीतेगी। अल्लाह अकबर। सोनिया फिर डरना चाहिए रहमान कोलो, फिर खौफ ज़दा होना चाहिए अपने मालक कोलो। अखां दा शुक्रिया अदा करया करना, अल्लाह अखां दितियां नहीं वेखन वास्ते, अल्लाह कान दिते नहीं सुनन वास्ते तेरा शुक्र है, अल्लाह हाथ दिते नहीं ते भी नेमत तेरा शुक्र है, अल्लाह जबान दिती है अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए अखां नाल वेखना होए ते कुरान दियां आयतां नूं वेखिया कर।
ऐवे शुक्रिया रब दा। अगर वेखना होए ते रब दे कुरान दियां ऐतां वेखिया कर, अगर वेखना होए अखां दे नाल ते रब दा घर बैतुल्लाह वेखिया कर, अगर वेखना होए ते इन्हां अखां नाल मस्जिद नबवी वेखिया कर। अल्लाह सारियां नूं मक्का मदीना दिखा दे, और सुनना होए ते रब दा कुरान सुनिया कर। ऐवे शुक्रिया अदा करना, ओ कन्ना नाल सुनना होए ते हदीसां सुनिया कर, अगर सुनना होए ते कुरान दियां आयतां सुनिया कर। ओए ज़बान वाली नेमत इस्तेमाल करनी है ते फिर कुरान पढ़ के इस्तेमाल कर। ऐवे कुरान अल्लाह दा शुक्रिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया असी ते किसे नेमत दी कमी नहीं दिती, हुण तेरा कम है शुक्र गुजार बन के जन्नती बन जा या ना शुक्रा बन के जहन्नमी बन जा। अल्लाह अकबर, असी ते दोनों ही रस्ते बतला दिते ने मेरे तुहाडे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी ऐसी तरबियत फरमाई, धोखा हुंदा ते फिर भी आंदे अल्लाह तेरा शुक्र है, वजू करके नफल पढ़ने शुरू कर देंदे। अगर खुशी आई है ते तां भी नफल पढ़ के अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर दे। हाँ मिसाल सुनो, अल्लाह ने मक्का फतह अता फरमाया, मक्का फतह होया ना, ते इधरों जनाब हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला नो मुसलमान होए ने, ते इन्ना जनाब इन्ना दे घर दी अहलिया इन्ना दी मोहतरमा हज़रत हिंदा अजे मुसलमान नहीं होइया। हज़रत अबू सुफियान अपनी सौजाए मोहतरमा नुआन के गल करदे ने, नी हिंदा जेदा कलमा मैं पढ़िया उस नबी दा कलमा तू ही पढ़ लै, ये हक दे ने ये सच दे ने। सारी रात ही जनाब एदा तरला करदे रह, अपनी अहलिया नू गल करदे रह, दावत देंदे रह, निहिंदा कलमा पढ़ लै नबी दी सहाबियां बन जा। अजे नहीं मन रही, इधरों जनाब की होया, अल्लाह ने जदों मक्का फतह अता फरमाया ना, नबी दे सहाबा नफलां दे अंदर मसरूफ ने। अल्लाह तेरा शुक्र है के सानू बड़ी फतह अता फरमाई है। अल्लाह दा तारीफां ते हमदा बयान करी जा रहे ने। रात गुजरी है सुबह दा वेला होया, वेखिया की है हजरत हिंदा भी मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़दी पई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपे ही पढ़ी जांदी है अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वहदहु ला शरीक लहु। निहिंदा ऐ की गल है, मैं तेनू आंदा रहा नबी मुहम्मद अली सलाम बड़ा चंगा नबी है, एदा कलमा पढ़ लै, एक अल्लाह नू इलाह मन लै, उदों ते नहीं मनिया। हुण गल की इशारा कर रहे हैं, गल मौजू नाल जिहड़ी अटैच हो रही दसना चाहना। अल्लाह अकबर, निहिंदा गल की है, हुण आपे ही पढ़ना शुरू कर दिता है, उस नबी दा कलमा पढ़ना शुरू कर दिता है। की इन्हां च वेख्या, किहड़ा अमल वेख्या, किहड़ा अमल जिहड़ा तेनू पसंद आया ते तू आपे ही कलमा पढ़ लिया है। इंदा बोल के आंदी है वे अबू सुफियान, पहली गल एवे कि जदों सानू तुहाडे लोगां नू यानी मक्के दे काफरां नू गैर मुसलमान नू जदों इन्हां नू कोई खुशी आउंदी है, ये जनाब शराब नोशी करिया करदे ने, ये जनाब ढोल टमके वजाया करदे ने, ये भंगड़े पाया करदे ने। इन्हां नबी दे यारां दा मैं एक वेखी है चीज, एक अमल वेखे आए, जदों इन्हां नू खुशी आउंदी है ते रब अगे सजदे करदे ने, जदों इन्हां नू गमी आउंदी है फिर भी आंदे ने अलहम्दुलिल्लाह।
जदों कोई दुख आउंदा है ते फिर भी आंदे ने अलहम्दुलिल्लाह। इत्थे साढ़े ते कोई परेशानी दुख आए ना, हाय हाय असी रब दे शिकवे आंदे गिलियां दे पौड़ल बनदे ने आ। अल्लाह अल्लाह ना ना सोनिया नबी दे सियाबा, अगर खुशी आई है ते नफल पढ़दे ने, अगर गमी आई है ते फिर भी रब अगे सजदे ही करदे वक्त गुजारदे ने। अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदे ने, अल्लाह दी हमद बयान करदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये जरा गौर करना मेरे तुहाडे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान करदे ने, एक दिन नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने ऐं दरूद पाक दी फजीलत बयान फरमाई। दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़िया ते फजीलत दसी है, एदा बड़ा मकाम है दरूद पाक दा, एदी बड़ी शान है। जिहड़ा दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह गुनाह भी माफ करदा है ते दुनिया दे दुख भी मुका छड़दा है। नबी अली सलातु वसलाम तस्करा फरमाया ते इत्थों जनाब खड़े होए इंज सामने बाग अंदर तशरीफ़ लै जाते ने। हज़रत अब्दुर्रहमान पीछे पीछे नबी अली सलाम बाग च दाखिल होए ना, जाके मेरे पैगंबर अली सलाम अल्लाह दे सामने सजदे अंदर पै जाते ने। हज़रत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला देखी जा रहे ने, इंतज़ार करी जा रहे हैं नबी अली सलाम हुन सजदे हो उठते ने, हुन नबी पाक अली सलाम खड़े होंदे ने। काफ़ी वक्त गुजर गया, इन्ना वक्त गुजरिया हज़रत अब्दुर्रहमान दे अल्फाज ने मैं सोचा किते फरिश्ता आन के मेरे मुहम्मद दी रूह कबज न कर गया होए। इत्थों तक मेरे पाक पैगंबर इस्लाम कुछ देर बाद खड़े होए ने, आका अली सलातो सलाम हज़रत अब्दुर्रहमान अगे बढ़े आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी मेरे ते सेन अंदर इत्थों तक ख्याल आ गया सी, इतना लंबा सजदा खैर सी की गल, किस वजह तो रब कोलों की मंगे जे सजदे अंदर, कह दिए जनाब खुशी आई है या गमी आई है, सुने जरा दसो ते सही, जरा बतलाओ ते सही ना, गल क्या है वजह क्या है। मेरे पैगंबर सलाम फरमांदे ने, ऐ प्यारे अब्दुर्रहमान मैनू बड़ी खुशी आई है, रब वालों खुशी मिली है, रब ने कोई मुसर्रत अता फरमाई है। आका अली सलाम जी दसो ना कादी खुशी है, केड़ी मुसर्रत मिली है तुहानू। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने, ऐ प्यारे अब्दुर्रहमान, अल्लाह फरमांदे ने सोने नबिया इन्हां दुनिया वालियां नू इस बात का पैगाम दे दियो, जड़ा बंदा मेरे ते दरूद पड़ेगा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ऐ खुशी रब ने अता फरमाई है, फरमाया जड़ा मेरे ते दरूदे पाक पड़ेगा अल्लाह दा वादा है कि मैं ओदे ते रहमतां दा मीं पावांगा। पहली खुशी दरूदे पाक पढ़न दी वजह तो मेरा अल्लाह रहमतां दे नजूल करेगा। सोनिया दूसरी खुशी केड़ी है, आका फरमांदे ने जड़ा बंदा उम्मती उठ के मेरे ते सलाम भेजे गा ओदे ते अरशां वाला रब सलामतियां नाजल फरमाएगा। दरूदे पाक दा फायदा मेरे नबी ने दसिया, फरमाया जड़ा बंदा दरूदे पाक पढ़ेगा एक ते रहमतां दा मुस्तहिक हो जाएगा और रब उनू सलामतियां ओदे ते नाजल फरमाएगा। मेरे आका फरमांदे ने इस खुशी दे अंदर के मैं मुहम्मद अली सलाम ते दरूद पाक पढ़न दी बरकत दी वजह तो अल्लाह सुल जलाल वाली कराम मेरे उम्मती ते रहमत नाजल फरमाए, मेरे उम्मती ते अल्लाह सलामतियां नाजल फरमाए। इस खुशी दे अंदर दूसरी गल ने कीती अलहदा हो के मैं अपने रब दा सजदे दी हालत अंदर शुक्रिया अदा कीता है। खुशी आए तो करना की चाहिए, बोलो की करना चाहिए। गमी आए तो फिर भी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो।
साबर बन जाओ ते शाकर बन जाओ, ऐ दो कम अपने अंदर पैदा सी कर लांगे। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम रहमतां दा मुस्तहिक बना छेगा, अल्लाह बरकतां दा मुस्तहिक बना देवेगा। अल्लाह अकबर रब दे अगे सजदे करन ओदा शुक्रिया अदा करेया कर। अल्लाह अल्लाह एक गल करदा बड़ी प्यारी, शायर आंदा रब अगे सजदे पै बैके, कह दियो रब अगे सजदे पै बैके, अल्लाह दे दर ते डै डैके, अलहम्दुलिल्लाह कह कहके, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई बोलो, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी तारीफ बयान करनी है, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना किंज, रब अगे सजदे पै बैके। इत्थे जनाब नफली गल है ना, अगर खुशी आए तो नफल पढ़ने चाहिए ने, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इत्थे फर्जी नमाज वास्ते अजान होए ते फिकर कोई फिकर नहीं, किड्डी वड्डी है कलूनी है अल्लाह दी रहमत नाल। ते नमाजी कितने होंदे ने, खैर नाल बंदे अपने कलूनी दे अंदर अगर नमाजी सारे आन ना मस्जिद अंदर, मस्जिद अंदर जगह ना मिले, लेकिन की सफ डेढ़ दो सफा बड़ी मुश्किल ना। ते हाँ कौन आ, असी मुसलमान हाँ, असी जनाब एक दूसरे दे खैर खा वहाँ, और तू अपना खैर खा कोई नहीं, नमाज पढ़ता नहीं वो बंदा अपना खैर खा हो सकता नहीं हो सकता। और सोने नमाजी बन जाओ, नमाज दे बगैर गुजारा नहीं, चारा नहीं। इनू आबाद करोगे रब तुहाडे घरां नू आबाद करे, इस घर नाल दिल तुसी लगाओगे अल्लाह तुहाडे घरां नाल दिल लगाएगा। जिन्हां दे घरां नाल रहमान दिल लगाए कोई परेशानी आ सकती नहीं आ सक, उत्थे रहमतां ही रहमतां, उत्थे बरकतां ही बरकतां। रब दा शुक्रिया अदा करेया कर, रब अगे सजदे पै बैके, अल्लाह दे दर ते डै डैके, अलहम्दुलिल्लाह कह कहके, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओए ओ मन मर्जी दा मालक जे, मालक कौन है, मर्जियां दा मालक कौन है, अल्लाह। ओ मन मर्जी दा मालक जे, ओ हर एक शैदा खालक जे, ओ अल्लाह ही सब दा राजक जे, है कुल खुदाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। खुदा दा वास्ता अल्लाह दा शुक्रिया अदा करेया कर, अल्लाह दी तारीफ बयान करेया कर। अगे फरमाया होए जो चावे उवें कर दे ओ, जो चा ये तो साड़ियाँ सोचा ने, साडे ख्यालात ने, इंज कर देंगे सुबह इंज हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारिया गल्लां फजूल ने। जो चावे उवें कर दे ओ, जो चावे उवें कर दे ओ, जद चावे झोली भर दे ओ, जद चावे खाली कर दे ओ, है बेपरवाही अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। आखिरी हदीस मेरे तुहाडे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुल जलाले वाली कराम फरिश्ते नू भेज देने रूह कबज करने वास्ते, जनाब एक बंदे दे बेटे दे कोल या बेटी कोल, यानी रूह कबज करने वास्ते फरिश्ता आउंदा, रूह कबज करके लै जांदा,
मेरे आका फरमाते ने रहमान पुछदा है, ओ फरिश्तिया ये दस ना मेरा बंदा यानी इस दा बाप जेड़ा सी ओदी जबान ते अल्फाज की सन जदों जनाब ए फुल तोड़ के ले आया, जदों जनाब ए फुल मुरझा के लैके आया ना, जदों ओदा पुत्र फौत कीता ही रो कबज होई है ना, एदे बाप दी जबान ते की अल्फाज सन, एदे बाबा दी कफियत क्या सी जरा दस ते सही ना। फरिश्ता बोल के आंदा अल्लाह सोनिया जेदा जनाब ए बेटा सी ना एदा बाप ओदी जबान ते अल्फाज ए सन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा ते शुक्रिया अदा करदा पिया सी ओदी जबान ते अल्फाज ए सन अल्लाह सोनिया मैं तेरा शुक्रिया अदा करना वा पिया, अल्लाह ए पुत्र दिता सी ते तू ही दिता सी, अल्लाह ए बेटी अता की सी ते तू ही अता की सी, अल्लाह जी हुन तू पुत्र ले लिया या बेटी वापस ले लईए ते अल्लाह सोनिया तेरा ही निजाम ते तेरिया मर्जियां ने, मैं ते तेरा हर हाल अंदर शुक्रिया अदा करांगा, अल्लाह जी तेरा बंदा होते तेरिया तारीफा तक करदा थकदा नहीं सी पिया, तेरा शुक्रिया अदा कर रहा सी। मेरे अल्लाह फरमांदे ने ए फरिश्ते हो मेरे इस बंदे दा घर ते महल जन्नत दे दरम्यान अंदर बना दियो, जन्नत दे वसत अंदर बना दियो, जेड़ा मेरा शुक्रिया अदा कर रहा सी ना एदा घर दरम्यान जन्नत दे अंदर बना दिता जाए, ते बार मेन गेट ते लिख दियो बैतुल हमद, बैतुल हमद हमद दा घर है, यानी हर हाल अंदर मेरा शुक्रिया अदा करने वाले दा एक घर ते महल ले। सोने अल्लाह दा शुक्रिया अदा करेगा ना रहमान राजी हो जाएगा, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, अपने मापियां दा शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह सुल जलाल ने फरमाया ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुसी मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुहाडा माल बढ़ा देंगा, मैं तुहाडे कारोबार अंदर बरकत पा देंगा, अगर शुक्रिया अदा ना करोगे फिर तुहानू मेरे अजाब दा इंतजार करना पैना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमांदे ने असी राह बतला दिता है, ऐ शुक्र गुजारा दा रस्ता जन्नत नू जा रहा है, आ ना शुक्री करने वाले दा रस्ता जहन्नम नू जा रहा है, ये बंदे दी मर्जी अल्लाह मेरा शुक्रिया अदा करके जन्नती बन जाए या फिर इस इंसान दी मर्जी मेरिया ना शुक्रिया करके गिले शिकवे करके जहन्नम दा अपने आप नू ईंधन बना ले। दुआ है जो सुने जो सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। एक दुआ है साढ़े बड़े प्यारे भाई ने ज़िला रहीम यार खान तो, मोहतरम प्यारे भाई मुहम्मद तनवीर साहेब ज़िला रहीम यार खान तो, वो जनाब उन्हें एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे दीनी किताबों का मरकज़, यकीन जानिए पूरे पाकिस्तान दे जनाब अक्सर उलमाए कराम उस ग्रुप के अंदर शामिल ने, और जेड़ी किताब की जरूरत पेश आती है वो जनाब मुफ्त डाउनलोड करके ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, और उलमाए कराम दूसरे दीनी भाई जड़े ने उन्हें तो मुस्तफीद होंगे ने। तो दुआ फरमाओ साढ़े भाई मोहतरम मुहम्मद तनवीर साहेब, अल्लाह ताला उन्हां दी एकावश कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उन्हां नूं सदा सलामत रखे और उन्हां दी नुसरत फरमाए, और इन्हां दी एकावश तनवीर भाई दी अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए, और सानू भी दीनी किताबां दे नाल लगाव रखना चाहिए, दीनी किताबां नाल प्यार मुहब्बत पाना चाहिए, इन्हां दा मुताला करना चाहिए। आओ यानी हुण खरीदिए, महंगाई इतनी है, अगर खरीदन वास्ते जाइए बाजार चों किताब बहुत ज़्यादा महंगी है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो किताबा भी बड़िया महंगिया ने। भाई मुहम्मद तनवीर साहब रहीम यार खान तो उन्होंने आसानी पैदा कर दी उलमाए वास्ते कि जनाब मुफ्त किताबा डाउनलोड करके ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, और उलमाए कराम मौजूआत तैयार करते हैं, उनवान तैयार करते हैं, और कुरान हदीस लोगों को सुनाते हैं। यकीनन मेरा ईमान है
आलम दीन जड़ा बयान करता है उन्होंने भी अल्लाह अदरे अजीम नाल नवाजते हैं और जड़े सामईन ने उन्होंने भी अल्लाह ताला अदरे अजीम अता करते हैं और जितना सवाब उलमा मिलता है यानी किताबों चो मुताला करके उलमा अल्लाह जितना अदर सवाब देंगे ने यकीनन मेरा अल्लाह की रहमत एतमाद और यकीन है उतना ही अजरों सवाब साढ़े भाई मोहतरम मुहम्मद तनवीर साहब उन्होंने भी अल्लाह आदर अता फरमाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला इस सदका जारिया उन्होंने कबूल फरमाए और उन्होंने वालदैन ते अल्लाह रहमत फरमाए अल्लाह खुश व खुरम रखे। दुआ है अल्लाह ताला सानू सारियां नू सही माने अंदर कुरान सुन्नत नाल प्यार मुहब्बत नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।